सर आप कब गिरफ्तारी दे रहे हैं? जून जेल की बारी आएगी इंशाल्लाह। तो सर इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी दे रहे हैं कि नहीं? सब गिरफ्तारी देंगे अपनी अपनी बारी। इमरान खान साहब जब से इक्तदार से उतरे हैं उसके बाद उन्होंने एहतजाज, जलसे अमर बिल मारूफ, फिर हकीकी आजादी मार्च, अब रैलियां, वो नाकाम रही। तो आप क्या समझते हैं जेल भरो तहरीक भी इसी तरह बेमकसद रही कि कुछ फायदा हासिल होगा? आप जेल भरो तहरीक में भी हिस्सा ले रहे हैं? शेखपुरा की बारी आने पर, अगर शेखपुरा की बारी आएगी ना इंशाल्लाह, सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा और मेरे कारकुनों को गिरफ्तारी देंगे। इन बेगैरतों को ये नहीं पता कि पूरी कौम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। जाली केसेस थे, मैं बड़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अदालत का, जिन्होंने इस जाली केस में जो है वो फारूक हबीब साहब की और हमारी बाकी जो तशक्ल थे उनकी जमानत मंजूर की है। और ये केसेस, इस तरह के जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। आज भी लीडरशिप के ऊपर टेररिज्म के केसेस बना दिए गए हैं। ये डकैती का केस था और अदालतें ही हमारी आखिरी ये वो इदारा है जो इस एट्रोसिटी से, इस जुल्म से बचा सके। अदालतों ने अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला जो हमारी जेल भरो तहरीक है आज पेशावर पहुँचेगी और पेशावर से हजारों लोग रुकेगी तो नहीं, कभी रुकेगी तो नहीं, इंशाल्लाह रुकेगी नहीं, इंशाल्लाह रुकेगी नहीं। सर आप कब गिरफ्तारी दे रहे हैं? जून जेलम की बारी आएगी इंशाल्लाह। तो क्या सर आपको लग रहा है कि जेल भरो तहरीक से कुछ फायदा हासिल होगा? फायदा होगा ना, अपने हकूक के लिए आप निकलेंगे, यही होता है, अपने हकूक के लिए निकलेंगे। तो सर इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी दे रहे हैं कि नहीं? सब गिरफ्तारी देंगे अपने अपनी बारी में। साहब देखें, इमरान खान साहब जब से इक्तदार से उतरे हैं उसके बाद उन्होंने एहतजाज, जलसे अमर बिल मारूफ, फिर हकीकी आजादी मार्च, अब रैलियां, वो नाकाम रही। तो आप क्या समझते हैं जेल भरो तहरीक भी इसी तरह बेमकसद रही कि कुछ फायदा हासिल होगा? आपको किसने कहा नाकाम रही? आज पूरे आप मुतालबात मनवाने में नाकाम रहे। आज पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और जो मुतालबात नहीं मान रहे वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस लगा हुआ है और उस इंतहाई अहम केस में 90 दिन में इंतखाबात होने का फैसला होना है जो आईन और कानून के मुताबिक होगा। यही वजह है कि इन हुक्मरानों की दौड़ें लग गई हैं, इनकी कांपें टांग रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंतखाबात में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अगर शेखपुरा की बारी आएगी ना इंशाल्लाह, सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा और मेरे कारकुनों को गिरफ्तारी देंगे। देखिए ये तो को मैं समझता हूँ कि ये कुछ दीवाने के ख्वाब वाली बात है। वो गिरफ्तार क्या करेंगे, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए खुद जा रहे हैं उनके पास, हम खुद गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं और इनका जो गिरफ्तारियों का शौक है वो पूरा कर देंगे। इन बेगैरतों को ये नहीं पता कि पूरी कौम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। अबुजर भाई, आपकी जो आज पेशी हुई तो आप उस हवाले से क्या अदालतों से मुतमईन है कि नहीं? मुतमईन है जी। जी क्या फैसला हुआ वो जरा आपको कुछ बताएं। हमारी बेल कंफर्म हो गई है, मेरी तो नहीं, खैर मुझे उन्होंने डाला नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, बाकियों को कंफर्म कर दिया है। बाकी आप जेल भरो तहरीक में भी हिस्सा ले रहे हैं कि? शेखपुरा की बारी आने पे शेखपुरा की बारी गिरफ्तारी देंगे इंशाल्लाह।